कि महामाना बुद्ध ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए राज छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई ने घर छोड़ दिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन हमारे बहुजन भाई इस ब्राह्मणवाद पाखंडवाद को नहीं छोड़ रहे हैं। आज ये हमारे शरीर पर ये 10,000 का कोट है, देन किसका है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन, माता सावित्री बाई फुले का देन है। नहीं तो हम शूद्रों को स्कूल में बैठने पढ़ने ऐसे नदी नाले में पानी पीने का अधिकार नहीं था। किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे सवर्ण हो कोई भी हो, लेकिन माता सावित्री बाई ने कठिन संघर्ष और मेहनत के बल पर यह बीरा उठाई, और बीरा उठाई ये माता सावित्री बाई नहीं, ज्योतिबा फुले ने, जिस पर चंद लोगों ने इस पर रोक लगाने का काम किया, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे लोग कहते हैं कि महामाना बुद्ध ने, और इतिहास गवाह है कि महामाना बुद्ध ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए राज छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई ने घर छोड़ दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन हमारे बहुजन भाई इस ब्राह्मणवाद पाखंडवाद को नहीं छोड़ रहे हैं, जो हम ही से मांग के खाता है और हम ही को अछूत और नीच कहता है। आप जो भी बात होगा मंच पर तर्कपूर्ण होगा, दलीली कुछ नहीं होगा। आज ये हमारे शरीर पर ये 10,000 का कोट है, देन किसका है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है, माता सावित्री बाई फुले का देन है। नहीं तो हम शूद्रों को स्कूल में बैठने पढ़ने ऐसे नदी नाले में पानी पीने का अधिकार नहीं था। और कितना संघर्ष किए, इतना संघर्ष किए महापुरुषों ने, जो अपना परिवार बाल बच्चे को बर्बाद कर दिए हम समाज के लिए। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे। समझना होगा, जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम तो कहते हैं, देखिए एक पंछी है, पंछी से सीख लीजिए, ये पंछी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देती, केवल उड़ना सिखाती, और जब उसका बच्चा, पंछी का बच्चा उड़ना सीख लिया, सारा समस्या उसका हल हो जाएगा। हमारे समाज के बंधु, आप लोगों से मेरा अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान और ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, उसको केवल शिक्षा दीजिए। जिस दिन आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा वो सब कुछ हासिल कर सकता है। आज हम कहना चाहते हैं आपको, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चमायन थी है नहीं, जब उन्होंने कुर्सी पकड़ा तो सबसे पहले सतीश मिश्रा उसको पैर छूने का काम किया, और सतीश मिश्रा अपना बेटी से, मायावती के भतीजा से शादी किया, शिक्षा की कुर्सी के ताकत पर। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान हो गए, इनका जात खत्म हो गया। बंधुओं जानना होगा, जे आपके भारत के प्रथम पंक्ति में बैठने वाले ऐसे 56 सवर्ण हैं ब्राह्मण, जिनका दमदमाद लौवा धोबी पासी डोम दुसाद और मुसलमान जो आगे बढ़ा उसको दमाद बनाने का काम किया। आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति आईएएस बने, जात के महार थे, ब्राह्मण का दमाद बने, ब्राह्मण अपना बेटी से शादी किया, आज राष्ट्रपति रहते हुए मंदिर में पूजा करने गए, राजस्थान के पुरस्कार मंदिर में, तो ब्राह्मण लोग पुजारी लोग रोक दिया, सर आप मंदिर के अधिकारी नहीं, माफ कीजिएगा, मंदिर में आप प्रवेश करते हैं मंदिर मेरा चौपट हो जाएगा। कह रहे हम ब्राह्मण का दमाद है, ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहा जे हम बेटी दे सकते हैं मंदिर नहीं, नहीं जाने दिया, सीढ़ी पर पूजा करवाया। जगने की जरूरत है बंधुओं, जागिए जानिए। और हम इस बात को 22 राज्यों में जाने का काम किया और 22 उस हर मंच पर ये बात को रखते हैं। अगर हम गलत बोलेंगे तो हम ही सबसे बड़ा नहीं है, हमको हथकड़ी चट लग जाएगा। लेकिन बंधुओं सच कहने में आँच नहीं, हम कहीं भी कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम जानते हैं हम जो ये कार्यक्रम हमको इसमें फायदा क्या है, अपने समाज की जागृति के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
हम जानते हैं हमारा औकात क्या है। हमारा औकात तो सारे लोग अपने औकात को जानते हैं, ये एक दिन न एक दिन हमको राख बन के बह जाना है, फिर हम अपने पर क्या अभिमान करेंगे। बंधु हम राख है, मेरी औकात क्या है। लेकिन ये पावर आप लोगों का देन है। आप लोग जब हम ये समझते हैं हमको सीख मिला है, बहुत आगे बढ़ने का चांस मिला है। जब किसी के सामने आप गड्ढा खून दीजिएगा, खाई खोद दीजिएगा, तो मत समझिए कि हमको ये खड्डा गड्ढा खून दिया गिरने के लिए। हम समझते हैं हमारे धन्यवाद के पात्र हमारे समाज हैं, जो हमको ब्रेक लगाने का काम बहुत बात किए लेकिन वो हमको छलांग लगाना सिखाए। अगर हमारा समाज हमको मारने का काम नहीं करते तो हम में रोशनी उतना नहीं आता। वो बताया नहीं, हमको बार दिया और पूरे देश रोशनी 22-23 राज्यों में घूमने का काम किया बंधुओं। और अपने गांव नहीं, जिला नहीं, राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। और YouTube के माध्यम से 5 करोड़ से ज्यादा लोग हमको देखने का काम कर रहा है। ये समाज का देन है। और बंधुओं आने वाला समय इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जो बेगूसराय का वह लड़का जो कोई काम का नहीं था पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है। ये सब आप लोगों का देन है। तो इसलिए बंधुओं आप लोग थोड़ा धैर्य पूर्वक सुने, देखें और समझने का काम करें। आपके बीच औरंगाबाद से चलकर जादूगर भवन प्रसाद